ये बताइए कि ये जो नात के सफ़र का आगाज़ हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, किन किन मराहिल से हुई? अलहाज यूसुफ मेमन साहब, माशाल्लाह, उनके घर जाना शुरू किया, उनसे सीखना थोड़ा बहुत शुरू किया। अच्छा, तो उनको देख के फिर मुझे भी शौक हुआ, मैं एक दो दफ़ा उनके साथ यूसुफ भाई के घर चला गया। ठीक है, तो इस तरह उनको देखते देखते फिर ऐसे शौक हुआ। मोहल्ले में पहले महफिल हुआ करती थी, स्कूल लेवल पे मुकाबलों, काफ़ी मुकाबलों में भी फिर हिस्सा लिया। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये फिर ये जोड़ी कैसे बनी, मतलब ये तीनों मिलकर जो, ठीक है, नात का सपने पहले तो इंफरादी तौर पर पढ़ना शुरू किया होगा, फिर किसी ने तो इकट्ठा किया होगा, एक तवज्जो दिलाई होगी, या कुदरती तौर पे बन गया सिलसिला? हमारे वाले साहब को भी बहुत शौक था सुनने का। अच्छा, वो अक्सर महफिल में जाया करते थे, हमारे घर के पास भी महफिल होती थी, मसाजिद वगैरह में महफिल होती थी। तो फिर मैं वालिद साहब ने ही मशवरा दिया कि आप दोनों भाई मिल के पढ़ो। सही, उस जमाने में कोई भी मिल के नहीं पढ़ता था। सही है, तो वालिद साहब ने कहा आप दोनों मिल के पढ़ो, तो इस तरह और मतलब सपोर्ट भी मिल जाएगी, सपोर्ट भी मिल जाएगी और जौक भी पैदा होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो ये तीनों जोड़ी इस तरह से बस एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दी। हाँ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।